में आज एक बार फिर पीएम मोदी की चुनावी सभा, गाजियाबाद में पीएम मोदी की रैली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, गाजियाबाद, हाथरस, खुर्जा, हापुड़ में करेंगे प्रचार। यूपी में कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, प्रभारी गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की युवाओं पर टिकी है नजर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपी में करेंगे 3 चुनावी रैलियां, बड़ौत, हाथरस, रामपुर में होंगी शाह की रैली। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज दादरी में होने वाली पंचायत में करेंगे शिरकत, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पार्टी के कई सांसद भी रहेंगे साथ। हाथरस में बोले यूपी कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद, वाजपेयी सरकार में नहीं था भय लेकिन आज है डर का माहौल। दादरी में राज बब्बर के रोड शो के दौरान लगा जाम, बड़ी तादाद में देखने उमड़े लोग, राज बब्बर ने स्कैम की दी नई परिभाषा। एस के माने होता है संघ, सी के माने होता है कॉरपोरेट, एक और उसके बाद में ए के माने होता है अमित शाह और एम के माने होता है मोदी। हम इस स्कैम को खत्म। चित्रकूट में मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल पर किया वार, बोले बेकार मिसाइल को साइकिल के करियर पर लाद कर चलाने की हो रही है कोशिश। नरोत्तम मिश्रा बोले पप्पू को अखिलेश पसंद है, बहन जी को कैश, आजम खान को भैंस और मोदी जी को देश पसंद है। यूपी में बीजेपी के हिंदू युवा वाहिनी ने बढ़ाई बीजेपी की मुसीबत, हिंदू युवा वाहिनी के बागी प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया फैसला। भारतीय जनता पार्टी के लंका को जलाने का हमने संकल्प लिया है और जलाकर राख करूंगा, यह हमारा संकल्प है, हम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का यह संकल्प। दसियू सुंदरी और दिवंगत सांसद फूलन देवी के पति उमेश सिंह ने बीएसपी छोड़कर फिर थामा कांग्रेस का हाथ, मायावती पर जमकर बरसे। उमेश सिंह का आरोप बीएसपी में दलितों की होती है उपेक्षा, पैसे का है बोलबाला, अमीरों को मिल पाते हैं टिकट, हालांकि पिछला चुनाव बीएसपी टिकट पर ही लड़े थे उमेश। पनीर सेल्वम की बगावत के बाद पोएस गार्डन में हुई शशिकला गुट की बैठक, पनीर सेल्वम को एआईएडीएमके से निकाला गया। तमिलनाडु में सियासी उठापटक के बीच राज्यपाल विद्यासागर राव आज पहुंचेंगे चेन्नई, पनीर सेल्वम से होगी मुलाकात, कांग्रेस ने बताया बीजेपी की साजिश। सेल्वम ने कल शशिकला पर इस्तीफे के लिए मजबूर करने का लगाया आरोप, बोलेगा जनता और पार्टी चाहेगी तो इस्तीफा लूंगा वापस। पनीर सेल्वम ने कहा अम्मा ने उन्हें 3 बार बनाया मुख्यमंत्री, अस्पताल में भर्ती होने से पहले पार्टी और सरकार को देखने का दिया आदेश। मरीना बीच पर जयललिता की समाधि पर 30 मिनट का ध्यान लगाने के बाद बोले पनीर सेल्वम, अम्मा की आत्मा ने उन्हें पार्टी के नेताओं और जनता से बात करने को कहा। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने एटा में पीएम मोदी का किया गुणगान, बोले अमेरिका का राष्ट्रपति भी मोदी की नीतियों की तारीफ कर चुनाव जीता। आरएलडी महासचिव जयंत चौधरी ने बागपत की रैली में अखिलेश पर कसा तंज, बोले नौजवानों को थमा रहे भीख कटोरा, चार्जर देने की ही योजना। उत्तराखंड में कांग्रेस के स्टार प्रचारक सीएम हरीश रावत ने कुमाऊं मंडल में डाला डेरा, हल्द्वानी, बाजपुर और रुद्रपुर में किया प्रचार। उत्तराखंड के रामपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की चुनावी सभा, कांग्रेस पर जमकर बरसे। पनीर सेल्वम के फैसले से झूमे उनके समर्थक, जुटी भारी भीड़। पनीर सेल्वम के समर्थकों ने जयललिता की समाधि स्थल के करीब फोड़े पटाखे। पनीर सेल्वम के समर्थक शशिकला पुष्पा ने उनके फैसले का किया स्वागत, बोली मुझे भी माफिया गैंग ने दबाव डालकर पद से दिलवाया त्यागपत्र। वॉस गार्डन में जुटे शशिकला के समर्थक, समर्थन में जमकर की नारेबाजी। बीजेपी के एच राजा ने एआईएडीएमके में फूट डालने के आरोपों को किया खारिज, विवाद को एआईएडीएमके का आपसी विवाद करार दिया। गुजरात चुनाव के लिए शिवसेना ने हार्दिक पटेल से मिलाया हाथ, पाटीदार नेता को बनाया पार्टी का चेहरा। मुंबई में उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हार्दिक पटेल ने लगाया गंभीर आरोप, जबरन होटल से निकाले जाने का दिया हवाला।
हार्दिक के मुताबिक होटल में लौटने पर उनसे कमरा खाली करने को कहा गया। सीएम आनंदीबेन के आने का दिया गया हवाला। जहां हम पहले रुके थे वहां पर हमारे निकलने के बाद तुरंत ही गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर रह चुके आनंदीबेन पटेल वहीं पर ही आए थे और उसी की वजह से शायद हमें वो होटल भी खाली करना पड़ा। हार्दिक पटेल ने मुंबई पुलिस पर लगाया आरोप, पहले तय कई कार्यक्रम कराए रद्द। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार में तकरार, उद्धव बोले नोट स्पिरिट पर है फडणवीस सरकार, सीएम फडणवीस बोले सरकार को खतरा नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का करेगा ऐलान, कर्ज सस्ता होने की उम्मीद। दिल्ली के आशा किरण संस्था में मंदबुद्धि बच्चों की देखरेख में लापरवाही पर खुली महिला आयोग की नींद, डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने अपने अनुभव को बताया शर्मनाक। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने सरकार से आशा किरण में बरती गई लापरवाही पर जल्द कड़े कदम उठाने को कहा, पुरुष कर रहे हैं महिला विंग की देखरेख। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के बचाव में फिर आया चीन, यूएन में पाबंदी के प्रस्ताव पर चौथी बार लगाया वीटो, इस बार अमेरिका ने रखा था प्रस्ताव। अमेरिका में उठी पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य घोषित करने की मांग, यूएस के प्रमुख थिंक टैंक ने ट्रंप प्रशासन को भेजी रिपोर्ट। पाकिस्तान को चीन का खुला समर्थन, कहा जंग हुई तो आसानी से नहीं जीत सकता भारत। आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी की राह में रोड़ा बने चीन पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, देर सवेर चीन को भी भुगतना होगा आतंकवाद का खामियाजा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने फिर दोहराया, कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान सरकार और आईएसआई दे रही है बढ़ावा, इसे आतंकी हाफिज भी कर चुका है कबूल। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के केस में सीबीआई की कार्यशैली पर उठा बड़ा सवाल, सीबीआई के ढीले रवैये के चलते हत्या के दूसरे आरोपी मोहम्मद जावेद को भी मिली वे। सीबीआई 90 दिनों तक जावेद के खिलाफ भी नहीं फाइल कर सकी चार्जशीट, इससे पहले ऐसी परिस्थिति में पहले आरोपी मोहम्मद कैफ को कोर्ट ने दी थी जमानत। जेल में सेल्फी खींचने से जुड़े मामले में शाहबुद्दीन को मिली जमानत, सिवान कोर्ट ने दी बेल। सिवान जेल में बंद शाहबुद्दीन की 3 सेल्फी हुई थी वायरल, इसी साल जनवरी में जेल में खींचे जाने का किया जा रहा है दावा। नोएडा के स्कूल में कराटे सीखते वक्त हुई छात्रा की मौत पर विदेश में भी घमासान, आरोपी 5 शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं, सोशल मीडिया में उठा मुद्दा। पीलीभीत में आदमखोर बाघिन ने एक और शख्स की ली जान, पिछले 3 दिनों में 3 इंसानों को बना चुकी निवाला। आदमखोर बाघिन ने पीलीभीत में 4 महीने में 5 लोगों को हमला कर मार डाला, लोगों ने बाघिन के पकड़े जाने पर ही मतदान का किया फैसला। झारखंड के गढ़वा में जंगली हाथियों का आतंक, चीनिया गांव में एक शख्स को पटक पटक कर किया घायल। गढ़वा में अनाज के लालच में घरों में घुस रहा है हाथियों का झुंड, घर को पहुंचा रहे नुकसान, वन कर्मचारियों ने भगाने के इलाके में बांटे पटाखे। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेंदुए के हमले में 2 किसानों समेत वन विभाग का एक कर्मचारी घायल, तेंदुए को पकड़ने की कोशिशें जारी। राजस्थान के बारह में चिंकारा का शिकार करने वाले को वन कर्मियों ने दबोचा, कुत्ते की मदद से किया था शिकार। यूपी के लखीमपुर खीरी में कोर्ट ने हिरण का शिकार करने वाले को 5 साल कैद और 1,00,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, साल 2007 का मामला। इंदौर पुलिस ने महिलाओं समेत पादरी गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा, चोरी के जेवरात बरामद। अरबों की ठगी करने वाली कंपनी एबलिस इंफो के खिलाफ अब तक देश विदेश से 6,000 शिकायतें मिली, खुद को दिवालिया घोषित कर गायब होने के फिराक में था मालिक। ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी खोलने की भी फिराक में था अनुभव मित्तल, कई कंपनियों को दिए थे करोड़ों के ऑर्डर। राजस्थान की पाली में महिला सरपंच के साथ मारपीट और अभद्रता, अस्पताल में हुई भर्ती। हरदोई पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ठग, नौकरी के नाम पर 70,00,000 रुपए की ठगी का आरोप। पाली में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल, टायर फटने से पलटी बोलेरो। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का पर्चा लीक के मामले में एसआईटी ने की छापेमारी, सोमवार को छात्रों ने सचिव की कर दी थी पिटाई।
पुणे में एक पुलिस इंस्पेक्टर की पिटाई से हड़कंप। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पर्चा भरने पहुंचे कार्यकर्ताओं की दादागिरी। जबलपुर से लापता इंजीनियरिंग की छात्रा नेहा और काजल का भेड़ाघाट में मिला शव। हत्या और आत्महत्या में उलझी कुत्थी। 2 फरवरी से लापता थी श्रीराम इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राएं नेहा और काजल। पानी में शव मिलने के दौरान दोनों के आपस में बंधे थे हाथ। सीकर में बेकाबू रोडवेज बस ने 3 लोगों को कुचला। मौके पर हुई मौत। 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर हुआ हंगामा। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई हत्या की वारदात। भतीजे को चाचा की हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। झाबुआ पुलिस के मुताबिक मृतक शख्स ने हत्या के आरोपी भतीजे की पत्नी और मां से रेप की कोशिश की थी। बीकानेर में चोरों ने एक दुकान में लाखों रुपए की चोरी को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सांगली में फर्जी गुटखा फैक्ट्री पर छापा। करोड़ों का माल जब्त। 14 लोग हिरासत में। शुरू के सुजानगढ़ में ठगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक एसपी के भरोसा देने पर उतरा। इलाहाबाद में एक बुजुर्ग से नोटों से भरा बैग लूट ले गए बाइक सवार बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बुलंदशहर में आरएलडी उम्मीदवार मनोज गौतम के भाई और दोस्त की हत्या। गोली मारकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली में मंडोली इलाके में दौड़ती कार बनी चिता। आग लगने से एक शख्स कार में जिंदा चला। कार में जिंदा जले शख्स की नहीं हो सकी पहचान। तफ्तीश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में डस्टर से 48,75,000 कैश बरामद। सभी नए नोट। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। नोएडा के सेक्टर 119 में सामने आई आम्रपाली बिल्डर की हद दर्जे की लापरवाही। आम्रपाली प्लैटिनम में 10वीं मंजिल से फ्री हुई लिफ्ट। बाल बाल बचे 3 मासूम। लिफ्ट में सवार थे 3 मासूम। 10वीं मंजिल से फ्री होने के बाद अचानक 3री मंजिल पर अटके झटके से रुकी लिफ्ट। टला बड़ा हादसा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली की तारीफ की। वनडे का नंबर एक बल्लेबाज करार दिया। पॉन्टिंग ने कहा विराट को अभी टेस्ट क्रिकेट में महान खिलाड़ी कहना जल्दबाजी, लेकिन वनडे में स्थापित किए नए मापदंड। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका। घुटने में चोट की वजह से अमित मिश्रा बाहर। कुलदीप यादव को मौका। कल खेला जाएगा मैच। दिल्ली के बल्लेबाज मोहित अहलावत ने नया इतिहास रचा। 72 गेंदों में 300 रनों की नाबाद पारी खेली।